सुबह सुबह दशहरे के दिन सुबह 7 बजे हम आ गए हैं स्नान करने के लिए निदान वाटरफॉल। और आप निदान वाटरफॉल की खूबसूरती देखिए, काफ़ी ऊंचाई से ये वाटरफॉल गिरता है इस तरीके से, और यहाँ तालाब में आगे पानी एकत्रित होता है और उसी से दोबारा से एक नए वाटरफॉल यहाँ पर बनता है। और इस तरीके से ये है यहाँ की खूबसूरती। और सबसे अच्छी खूबसूरती वाटरफॉल के साथ साथ यहाँ पर देखिए, पहाड़ काफ़ी ही शानदार हैं, काफ़ी ऊंचाई पर इस तरीके से। ये है इनकी बनावट पहाड़ों की। ये देखिए अभी भी पानी टपक रहा है हर पहाड़ से। बहुत सारे लोग इसको बारिश में देखने के लिए आते हैं, और बारिश टाइम में थोड़ा सा एक ख़तरनाक हो जाता है। यहाँ पर स्टाफ से पता लगा है कि रियल में हर साल कई लोगों की यहाँ पर जान चली जाती है, और अभी तक 20 से ज़्यादा लोगों की जान यहाँ पर जा चुकी है। जितना ही सुंदर है उतना ही ये ख़तरनाक भी है, क्योंकि चारों तरफ इसमें फिसलन भरा एरिया है। जब भीड़ यहाँ पर होती है तो पत्थर से टकरा जाते हैं और जान जोखिम में अपनी न डालें इस तरीके से, और खूबसूरती को निहारें। और ऐसे टाइम पे आएँ जहाँ जब इसमें भीड़ ना हो। अब सितंबर अक्टूबर महीने में ये देखिए, एक फैमिली यहाँ पर पिकनिक मनाने के लिए आई है, आराम से बैठ के वाटरफॉल के सामने आराम से चाय पी रहे हैं। ये है ज़िंदगी का असली आनंद। तो ऐसे ऑफ सीजन पे आप आ सकते हैं, पूरा आनंद लें, जितना चाहें उतना यहाँ पर टाइम बिताएं, आराम से बैठ के वाटरफॉल का जो साउंड है उसको सुने और इस खूबसूरती को निहारते रहें। इस एंगल से वीडियो लेने के लिए हमने काफ़ी मशक्क़त की है, थोड़ा सा जोखिम हमने भी उठाया है कि वाटरफॉल के जस्ट सामने आके ये पूरी वीडियो बनाएं। और यहाँ पर दोनों के दोनों वाटरफॉल हमें दिखाई देते हैं सामने से, ये ऊपर से पानी गिरता हुआ और फिर धीरे धीरे यहाँ पर तालाब में आके दूसरा वाटरफॉल इस तरीके से निर्माण होता हुआ। और ध्यान से सुने आप, कितनी ही प्यारी आवाज़ है पानी की। और सामने चट्टान पर हमारे साथ आए पांडे सर बैठे हैं, अभी आराम से वाटरफॉल का साउंड सुन रहे हैं। और काफ़ी खूबसूरत लोकेशन पे उन्होंने अपना सिंहासन बनाया है। ऐसा लगता है जैसे जिन कल्पनाओं को हम बुक में महाभारत रामायण को पढ़ते हैं, रामायण के अंदर भगवान श्री राम के 14 साल वनवास की जो कहानियाँ सुनते हैं, सोचते होंगे पुराने पहाड़, इस तरीके से झरने, वो सारी चीज़ जो काल्पनिक हम सोचते रहे उसको हकीकत में देखने के लिए आपको निदान वाटरफॉल एक बार ज़रूर आना चाहिए। यहाँ पर आके आपको लगेगा कि ये जो पहाड़ है ये कट कट के कितना बड़ा वाटरफॉल यहाँ पर बन गया है, किस तरीके से। और ये पूरा पहाड़ है जुड़ा हुआ, लेकिन इस पानी की वजह से इसमें यहाँ पर पानी से कट कट के बिल्कुल ज़मीन तक इस तरीके से बना लिया है इसने, और यह अब भी कट ही रहा है। मतलब आने वाले टाइम में निदान वाटरफॉल का और भी ज़्यादा ऊंचाई बनेगी, क्योंकि सामने जो पहाड़ दिख रहा है वो धीरे धीरे और भी कट रहा है। तो सालों साल इस तरीके से पानी गिरता रहता है और अपना रास्ता बना लेता है। तो उसने अपना रास्ता बना के इस तरीके से बिल्कुल समतल आ गया है, और ये चारों तरफ, क्योंकि पहाड़ तो रहा बुरबुरा टाइप है, आप इसको देख सकते हैं पहाड़ को किस तरीके से बीच बीच में दरारें टाइप बनी हुई हैं, मतलब ये ज़्यादा मजबूत है नहीं। और कुछ सर खूबसूरती का एंजॉय लेने के लिए आप किसी भी टाइम सितंबर अक्टूबर नवंबर में आ सकते हैं, जब धुंध स्टार्ट हो उससे पहले आ जाएं, ताकि आपको सारे के सारे दृश्य आराम से दिखें। आज सुबह सुबह हम आए हैं, गर्मी भी नहीं है और न धूप है, और आराम से सुबह सुबह का दृश्य यहाँ पर लेते हुए, और हम अपना नाश्ता साथ में लेके आए हैं, आराम से वाटरफॉल के पास में बैठ के नाश्ता करेंगे। आप सोचो तो कितना खूबसूरत, जिस तरीके से सामने जो फैमिली अभी नाश्ता कर रही है उस तरीके से वाटरफॉल के सामने बैठ के करीबन 1-1.5 घंटा हम यहीं बिताएंगे। तो वीडियो अपनी याद के लिए हम बना रहे हैं, और मन कर रहा है कि काफ़ी टाइम यहाँ पर रहें और बैठे रहें, बनाते रहे वीडियो, लेकिन टाइम की पाबंदी है इसलिए हमें चलना पड़ेगा। और नज़दीकी से हम आपको वाटरफॉल दिखा देते हैं और भी अच्छा कि किस तरीके के दृश्य हैं नीचे से, क्योंकि सभी एंगल से पूरा वाटरफॉल दिखता नहीं है,
जिस एंगल पे हम थे उससे थोड़ा और ऊपर जाएंगे तो और भी खूबसूरत वाटरफॉल हमें दिखाई देगा। अब यहाँ से देखो नज़दीक से और भी अच्छा वाटरफॉल हमें दिखाई दे रहा है, और ये ख़तरनाक पहाड़ियाँ, और आप उन जड़ों से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वहाँ से भी पत्थर गिरे हैं। तो बारिश टाइप में ये चारों तरफ से ख़तरनाक हो जाता है, पहाड़ से पत्थर भी गिरते हैं, फिसलन भी ज़्यादा हो जाती है और पानी का जो बहाव है वो भी तेज़ हो जाता है। तो आप सोचो इतनी हाइट से अगर पानी तेज ज़्यादा मात्रा में गिरेगा तो वो अगर किसी इंसान को अपने बहाव में लेता है तो उसके लिए बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है। और पानी इतना साफ़ है कि पानी के अंदर के पत्थर आप आसानी से देख सकते हैं, बिल्कुल निर्मल पानी यहाँ पर। और ये आगे भी एक तालाब बना रहा है, इस तरीके से पानी एकत्रित हो गया। काफ़ी खूबसूरत वादियों के अंदर आज हमें मौका मिला है यहाँ आने का।